हेलो थ्री एंड फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होगे। आप सभी लोगों को बढ़िया होना भी चाहिए। तो चलो नोबल को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दो। हाँ, कुछ लोग के डाउट थे और कुछ लोग कह रहे थे कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर मैरिज लाइफ। अरे मेरी शादी नहीं हो रही बेबड़ों, इतनी छोटी सी उम्र में मुझे क्यों उम्र कैद में डाल रहे हो? क्या हंसता खेलता अच्छा नहीं लग रहा? मैं कसम से ये काफी बड़ा डरावना सपना है। ऐसा कुछ सोचना भी मत, 4-5 साल तो बिल्कुल भी नहीं सोचना। जब हम लोग 100K को क्रॉस कर लेंगे सब्सक्राइबर में, उसके बाद सोचेंगे। और काफी सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि मैं उड़ीसा में कहाँ पे जा रहा हूँ। तो देखो, मैं उड़ीसा में जा रहा हूँ, झारसुगुड़ा। तो जिन लोगों के पास से ये जगह हो, आप लोग इंस्टा में मुझे DM कर सकते हो। हालांकि वहाँ पे मैं काफी बिजी रहूंगा, लेकिन ट्राई करेंगे हम आसपास की जगह घूमने की। तो आप लोग मुझे थोड़ा सा गाइड करते चलिएगा। तो चलो अब लौटते हैं नोबल पे और फिर बता देता हूँ शादी भाई साहब की है मेरी नहीं है। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड पे देखा था, क्या देखा था यार? कुछ तो देखा था। चलो, पिछले एपिसोड में बेसिकली हुआ ये था, एक ब्लैक शैडो ने काफी सारे लोगों को मार दिया था, जिसके बाद जोयान और सभी लोग ब्लैक शैडो का पीछा करते हुए गेट के अंदर से जाते हैं, जहाँ पे काफी सारे लोग जुड़े हुए होते हैं दूध की फैक्ट्री के लिए, मतलब स्प्रेड मिल्क करके होता है वो कुछ, जहाँ पे उनके बीच में आपस में फाइट हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तभी वहाँ पे निकल कर आता है जो क्लेन का लीड यंग मास्टर, जो की जोयान की लंका लगा देता है, मतलब उसके पीछे के बंदों को जो की 6 एम्प्रेटिवेशन लेवल के बंदे थे, एक ही बार में भाई मार देता है वो। देन हमने देखा था वहाँ पे वो ब्लैक शैडो भी आती है और काफी सारे लोगों को मार देती है। जॉन ने इसे कॉन्स्टेंटली देखा भी था और कसम से ये तो मुझे थोड़ा सा हॉरर वाली फीलिंग आ रही थी यहाँ पे रीड करते हुए। लेकिन तभी वो ब्लैक शैडो जो किंगबा पे अटैक कर देती है, जिससे जो किंगबा बाल बाल बचता है। लेकिन तभी उसने जोयान के पीछे के एक एम्प्रेटिवेशन लेवल के बंदे को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद हमने देखा था वो सभी लोग काफी नाराज हो गए थे और ये एपिसोड मैंने वहीं पे एंड किया था। तो ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। इस टाइम पे वो ब्लैक शैडो जोयान के पीछे के एम्प्रेटर कल्टीवेशन लेवल को मारने के बाद तुरंत ही अपने पंच से जोयान के ऊपर अटैक करती है, जिससे जोयान अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा हवा में उड़ता हुआ जाता है। उसकी सारी की सारी उंगलियां टूट चुकी होती हैं और आड़ी तिरछी हो चुकी होती है, साथ ही उसकी पेट में काफी जोर का झटका लगा हुआ था, जिससे वो उल्टी करते हुए जा रहा होता है। ये देखकर बाकी के सभी लोग तुरंत ही डर के मारे आगे बढ़ते हैं और तुरंत ही कहते हैं यंग मास्टर। दूसरी तरफ जोयान वो तो दर्द के मारे बेहोश हो चुका होता है। भाई बंदा ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन उड़ी में बराबर रहता है। उसके दाहिने हाथ की पांच उंगलियां टूट गई होती हैं और उनसे ब्लड बह रहा होता है। हालांकि तभी उसके ऑरिजन कोई तुरंत ही उसके घाव को कवर करने लगती है, जिससे उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। हालांकि जोयान को उड़ते हुए देखने के बाद सभी लोग उस ब्लैक फिगर के असली चेहरे को देखते हैं, तो वो देख सकते थे इस ब्लैक फिगर की आंखों में कोई भी लाइफ पावर नहीं थी। चेहरा काफी हार्ड होता है, बाल बिखरे हुए होते हैं, पूरा शरीर खून से लथपथ था और वो बिना किसी कोई के एक डेड बॉडी की तरह लग रहा होता है। तभी एक बंदा कहता है बू गुआंग, क्या वो हमारे साथ अंदर नहीं आया था? क्या वो मारा गया? ब्लैक शैडो वाले बंदे को देखकर एक दाढ़ी वाला हाफ एजेड मैन तुरंत उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वो तुरंत ही कहता है डेड प्यूपिल। तभी बू गुआंग नाम के हाफ एजेड मैन को देखते हुए जोयान भी चौंक जाता है और उसके मन में काफी शक होता है, क्योंकि एक मोनार्च एम्परर भले ही ये फेक डेड बॉडी क्यों ना हो, उसके पास इतनी ताकत नहीं हो सकती थी। जिसके बाद जॉन मन में सोचने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद वो उस हाफ एजेड मैन को देखता है जिसने अभी अभी बोला था। तो जॉन के दिमाग में अचानक से एक थॉट आता है और वो तुरंत ही कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि आदमी सोल डैमेज द्वारा कंट्रोल किया जा रहा हो? जॉन को अच्छी तरीके से याद था कि सोल डैमेज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ डेड बॉडी को कंट्रोल करने की थी और डेड पर्सन को वापस से जिंदा करने की, और सोल डेमन द्वारा कंट्रोल किए गए पर्सन की पावर भी काफी हद तक इंक्रीज हो जाती थी। लेकिन जॉन को समझ में नहीं आता कि ये मोनार्च एम्परर लेवल का बंदा एक ही पल में एम्परर कल्टीवेशन लेवल के वॉरियर को कैसे मार सकता है। हालांकि तभी भीड़ के बोलने का वेट किए बगैर इन और यंग एल्डर तुरंत ही सामने आ जाते हैं और तुरंत ही अपने हाथों को एक साथ सेम वे में फ्लक्चुएट करते हैं, जैसे हवा में एक अजीब सा सिंबल आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी पाम अटैक को बू गुआंग नाम के इस बंदे के ऊपर पटक देते हैं। तभी बू गुआंग नाम की डेड बॉडी उसका हाथ भी अचानक से बाहर निकलता है और इन और यंग एल्डर उनके पाम अटैक से जाकर टकरा जाता है। तभी जो किंगबा वो भी अचानक से अपने अटैक को रेडी करते हुए कहता है ग्रेट साइकल प्रोफाउंड स्काई स्लॉटर। साला इनके अटैक भी बवासीर होते हैं यार। और इसके बाद उसकी पांच की पांचों फिंगर्स अचानक से एक ब्लेड की तरह साइन करने लगती हैं और इसके बाद उसके पैर से अचानक एक लाइट रिफ्लेक्ट होती है और वो बू गुआंग के पीछे तुरंत ही अपेयर हो जाता है। उसके हाथ का जो ब्लेड होता है वो स्पेस को क्रैक कर रहा होता है और तुरंत ही सामने वाले बंदे के गले के अंदर चला जाता है। हालांकि जैसे ही जोयान जो किंगबा और इन और यंग एल्डर के अटैक को देखता है तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करने ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में एक अजीब ही सीन दिखाई देता है, जो देखकर तो जोयान का दिल कांप उठता है, क्योंकि जोयान ने देखा था कि बू गुआंग नाम के इस बंदे की आंखों से और उसकी बॉडी से तुरंत ही ब्लड निकलने लगा था और काफी अजीब से मां की तरह ये क्रिएट होने लगा होता है। और अगर ये इन और यंग एल्डर और जो किंगबा के अटैक के कारण था तो भी ये ब्लड काफी अजीब था। तभी अचानक से वहां से एक ब्लास्ट होता है और आफ्टर शॉक चारों तरफ फैल जाता है, जिससे आसपास के सभी लोग पीछे हट जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ पावरफुल एल्डर तो बेहोश भी हो गए थे।
कुछ बीक एल्डर्स बेहोश भी हो गए होते हैं, तभी वहाँ पे तुरंत ही चट्टाने भी गिरने लगती हैं और चारों तरफ धूली धूल बिखर जाती है। तभी जोयान अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर को आसपास की जगह पर फैला देता है, क्योंकि यह जगह अभी भी धूल से साफ होना बाकी थी। तभी जोयान अपने सामने जो सीन देखता है उससे तो बेचारा जोयान उसके भी होश सारे हो जाते हैं, क्योंकि जोयान को एक चीज तो पता चल चुकी थी कि यह बू गुआंग एक जॉम्बी की तरह था। उसकी बॉडी अभी भी खड़ी हुई होती है, ब्लड से लथपथ होती है, और यहाँ तक कि उसने 3 पीक एम्परर कल्टीवेशन लेवल के वॉरियर्स के साथ फाइट की थी, लेकिन उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी। तभी कुछ ही दूर पर झो किंगवा, जो बेकार चट्टानों के ढेर पर लेटा हुआ था, उसे देखकर पता नहीं चल रहा था कि वो जिंदा है या मर गया। दूसरी तरफ इन और यंग एल्डर, उनके चेहरे लाल होते हैं और उन्होंने अपनी हथेली पकड़ रखी थी और उनकी हथेली से ब्लड निकल रहा होता है और वो काफी शौक तरीके से अपने सामने इस डेड पर्सन को देख रहे होते हैं। तभी जोयान कहता है, ब्लड, क्या यही सिनफुन ब्लड है, पापी खून? और जोयान के दिमाग में ये थॉट आता और वो उसके बारे में सोच पाता कि उससे पहले जोयान को अपनी ठीक पीठ पे काफी ठंडक फील होती है, तो जोयान देख सकता था कि वो पर्सन उसे ही देख रहा होता है। तभी वो डेड पर्सन जोयान की तरफ ब्लड ऑरे के साथ बढ़ने लगता है और तुरंत ही आसपास आने वाले सभी लोगों को मौत के घाट उतार देता है और उनके गले पर सिर्फ एक ब्लडी होल देखा जा सकता था। दूसरी तरफ जोयान के तो बॉडी के सारे रोंगटे खड़े हो गए होते हैं और जोयान ने अपनी स्पिरिचुअल पावर से सामने वाले बंदी की स्पीड को पहले ही भांप लिया था, इसलिए जोयान के पैरों के नीचे तुरंत ही स्टार लाइट साइन होती है और जोयान अचानक से गायब हो जाता है। लेकिन फिर भी उस बंदे के अटैक के कारण जोयान के मुखौटे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। दूसरा युआन टोंग टियान और बान लाओ सेन, उनके पास मूवमेंट करने का टाइम नहीं था, इसलिए वो आफ्टर शॉक के कारण पीछे की तरफ उड़ते हुए जाते हैं और इसके बाद वे दोनों के दोनों लोग ही बेहोश हो जाते हैं। दूसरा जोयान अपने अपोनेंट की पावर को जाने बगैर उस पे अटैक बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, इसलिए जोयान बार बार स्टार लाइट का यूज करके ब्लड शैडो के इस बंदे से बार बार डॉच कर रहा होता है और केव के अंदर दो ह्यूमन फिगर जो साइन हो रही होती हैं, इन्होंने सबके ध्यान को अट्रैक्ट किया होता है। तभी जूजून, जो जूयान के पीछे होता है, तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है, वो जियोयान है, और ये कुछ ऐसा चेहरा था जिसे वो अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकता था। तभी जूयान चौंकते हुए कहता है, जियोयान, और अपनी उंगलियों के दर्द को तुरंत ही इग्नोर कर देता है और जियोयान को देखने लगता है। साथ ही जितना उसने जियोयान को देखा था वो उतना ही चौंकता जा रहा था, क्योंकि उसने देखा था कि जियोयान की रफ्तार पहले से काफी ज्यादा फास्ट थी। जिसके बाद वो कहता है, अलायंस मास्टर ली को तुरंत ही इसके बारे में बताओ। जिसके बाद वो अपनी नजरों को हटाते हुए जो किंगबा की तरफ देखता है, जो जिंदा था या मर गया था किसी को नहीं पता था। जिसके बाद वो इन और यंग एल्डर को देखता है, जो काफी घबराए हुए तरीके से डेड बॉडी को देख रहे होते हैं जो जियोयान की पीछा कर रही थी। ये देखकर वो तुरंत ही कहता है, आखिरकार ये डेड बॉडी है कौन सी चीज जो एक अटैक में जो किंगबा और इन और यंग एल्डर को भी लड़ाई से हरा सकती है। हालांकि जब जोयान ब्लैक शैडो के अटैक से बच रहा होता है, तभी के ये अचानक से जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, जोयान, अलायंस चीफ ली आने वाले हैं, जल्द से जल्द रियलम ट्रेवल्स जेड हमें दे दो, शायद अलायंस चीफ ली दया करके तुम्हें जिंदा छोड़ दे। अबे चूतियों, अलायंस चीफ ली की क्या औकात, पहले यहाँ इस शैडो से तो बचो, नहीं यही फेल के चली जाएगी। और रही बात हमारे ठरके की, तो उसके ऊपर है राइटर का आशीर्वाद, उसको घंटा कुछ नहीं होने वाला, अपनी सोचो। हालांकि जोयान का नाम सुनने के बाद सभी लोग काफी शौक तरीके से जोयान की तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि जुल्लो एकेडमी में ब्लैक नीदरलैंड एम्परर को हराने के बाद जोयान नाम कैपिटल ऑफ कैओस में पहले ही काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था। यहाँ तक कि उसका नाम तो मू युआंग से भी काफी बड़ा था कि आखिरकार ये बंदा जो एम्परर कल्टीवेशन लेवल के पर्सन को भी चैलेंज कर सकता था, ये सभी की सोच से परे था। दूसरी तरफ जोयान, जो कि ब्लैक शैडो के अटैकों से बार बार डॉच कर रहा होता और आगे पीछे भाग रहा होता है, वो भी आखिरकार ब्लैक शैडो के इस बिहेवियर से धीरे धीरे फैमिलियर होता जा रहा होता है। और कई की बात को सुनेगा जोयान अचानक से स्माइल करता है और इसके बाद वो अपनी पैर की उंगलियों को हल्का सा मोड़ता है और जोयान और बाकी लोगों की तरफ इशारा करता है। तभी जोयान के अचानक से एक्शन को देखकर जोयान और बाकी लोग चौंकते हुए कहते हैं, जल्दी से डॉच करो, और तुरंत ही काफी बुरी हालत में एक तरफ दौड़ जाते हैं। और इसके बाद जोयान की बॉडी अचानक से स्टारलाइट की तरह साइन होते हुए तुरंत ही उसी दिशा से आगे की तरफ बढ़ती है। हालांकि तभी एक ब्लड ड्रॉप एक तेज स्लॉट की तरह केई के गले के अंदर घुस जाती है और बाद वाला, जो कि अभी भी काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है, उसकी स्माइल तुरंत ही शांत हो जाती है। तभी अपने एक बंदे को मरते हुए देखकर जोयान की आंखें लाल हो जाती है और वो चिल्लाते हुए कहता है, जोयान, तुम मरने लायक हो। तभी जोयान कहता है, चाहे तुम कितनी भी बकवास कर लो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इस टाइम पे जोयान की आवाज सभी डायरेक्शन से आ रही होती है और जोयान को देखते हुए जोयान के फेस इंप्रेशन बदल जाते हैं कि वो ब्लैक शैडो के अटैक से बच रहा था और वास्तव में बोलने का भी उसके पास टाइम था, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है। लेकिन वो चुपचाप अपने मुंह को बंद कर लेता है, क्योंकि उसे पता था जोयान जितना फास्ट नहीं है, वो ब्लड की ड्रॉप जिसका यूज ये डेड पर्सन कर रहा है वो जितनी खतरनाक है, उतना खतरनाक तो जोयान भी नहीं। और अगर वो ब्लड ड्रॉप उसके पास आई तो एक ही अटैक में उसकी भी जान चली जाएगी।
तभी इन और यंग एल्डर तुरंत ही चिल्लाते हुए कहते तुम सब जल्दी यहाँ से निकलो। उन्होंने देखा था कि थोड़े ही टाइम के अंदर दर्जनों लोग मर गए थे लेकिन ब्लैक शैडो के कपड़े तक को नहीं छुपाए थे और अगर ऐसा ही चलाता रहा तो लगभग सभी लोगों को तुरंत ही मार दिया जाएगा। हालांकि उनकी बात को सुनकर सभी लोग ऐसे रिएक्ट करते जैसे वो सपने से जाग गए हों और तुरंत ही काफी स्पीड से दूसरी तरफ भागने लगते हैं क्योंकि अब उनके लिए डार्क अंडरवर्ल्ड का ट्रेजर इंपॉर्टेंट नहीं था, अभी उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी अपनी जान बचाना। और देखते ही देखते वहाँ पे जमकर हंगामा होने लगता है और सभी लोग केव से बाहर भागने लगते हैं और ये लगभग 100 लोग होते हैं। तभी ब्लैक शैडो जो कि जो यान का पीछा कर रही होती है वो भी अचानक से रुक जाती है और उसकी नज़र भीड़ की तरफ जाती है जिससे वो एक अजीब से ही बीस्ट की तरह पावरफुल रोर करती है और उसकी पूरी बॉडी से ब्लड बहने लगता है मानो उसकी बॉडी का हर एक एक्यूपंचर पॉइंट ब्लड को बाहर निकाल रहा हो। और इसके बाद अगले ही मूवमेंट उसकी बॉडी से काफी सारे ब्लड की ड्रॉप निकल कर ब्लड एरो में कन्वर्ट हो जाती है और उन सभी भागने वाले लोगों की तरफ अटैक कर देती है जो कि सीधा ही अनगिनत लोगों के गले को क्रॉस कर जाती हैं और तुरंत ही काफी सारे लोग ऑन द स्पॉट मार दिए जाते हैं। और इस टाइम पे एक ही पल में करीब 100 लाशों ने गुफा के एंट्रेंस गेट को तुरंत ही रोक दिया होता है। ये देखकर इन और यंग एल्डर वो भी काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि रिट्रीट में जाने के बाद शायद ही उन्होंने कभी किसी को मारा हो और उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि बाहर आने के बाद उन्हें वास्तव में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। और उन्हें एक चीज तो पता चल गई थी कि इन सभी लोगों की मौत कैपिटल ऑफ कैओस में एक काफी बड़ा चेंज करने वाली है। तभी जू यान जो कि एक शरीर से दबा हुआ होता है और दीवार के पास होता है उसके माथे से पसीना गिरने लगता है और वो तुरंत ही कहता है क्या ये सब कुछ खत्म हो गया। और उसके पास पहले जैसा दबंग बिहेवियर नहीं होता बल्कि बेचारा अब एक चूहे की तरह रिएक्ट कर रहा होता है। उसने देखा था कि उसके बगल की चट्टान में 4-5 उंगलियों के आकार के छेद होते हैं और ये ब्लड के उस ड्रॉप के कारण हुआ था जिसे उस डेड बॉडी ने रिलीज किया था। हालांकि तभी उसके मर्सेनरी अलायंस के एक बंदे को सोच छोड़कर जिसके कंधे पर उस ब्लड ड्रॉप ने छेद कर दिया था बाकी किसी को कोई हैवी चोट नहीं आई थी जिससे उसे ऐसा लगता है कि इस ब्लड एंड एरो का मेन टारगेट वो लोग नहीं थे। तभी जोयान की पीठ में भी ठंडा पसीना आ जाता है, उसने उम्मीद नहीं की थी कि इन भागने वाले लोगों में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। दूसरा बान लाओ सैन, युआन टोंग टियान उसका बेटा और झो किंगबा जिन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और शायद वो बेहोश थे वो इस मौत से अभी तक बच गए थे। हालांकि जो लोग भागना चाहते थे उन्हें मारने के बाद वो पर्सन एक बार फिर से जुआन को देखता है और इसके बाद उसके पंच से एक पावरफुल सोनिक वेव अटैक जनरेट होता है जिससे काफी सारे चीजें जो यान के ऊपर अचानक से गिरने लगती है यानी कि शार्प ब्लेड। हालांकि जब वो फिगर जो यान के ऊपर अटैक कर रही होती तभी दो फिगर्स अचानक से साइन होती है और लाशों पे चढ़ते हुए गुफा के एंट्रेंस गेट की तरफ भागने लगती है जिसमें से ब्लैक होता है और एक व्हाइट और ये इन और यंग एल्डर थे। हालांकि वो दोनों लोग केव के एंट्रेंस गेट को क्रॉस करने ही वाले होते हैं कि तभी एक ब्लड ड्रॉप उनकी तरफ अटैक कर देती है। ये देखकर इन और यंग एल्डर एक डेड बॉडी को उठाते हैं और बड़ी मुश्किल से उस ब्लड ड्रॉप से डॉच करते हैं लेकिन तभी वो ब्लड एरो उस डेड बॉडी को चीरता हुआ उनके हाथ पे जाकर लगता है और उनके हाथ को चीरते हुए यंग एल्डर को जाकर लगता है जिससे दोनों ही लोग काफी ज्यादा बुरी तरीके से चीखने लगते हैं और काफी बदहवास हालत से केव से बाहर भागने लगते हैं। तभी इन यंग एल्डर को जाता हुआ देखकर जो यान तुरंत ही गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है ये ओल्ड बास्टर्ड। और इसके बाद वो जो यान की तरफ देखता है तो उसकी आंखों में कुछ उदासी देखी जा सकती थी। हालांकि उसके लिए ये अच्छी बात थी कि जो यान मरने वाला था लेकिन उसे ये भी पता था कि जो यान के बाद उसकी बारी आ जाएगी। हालांकि जैसे ही उसने ये सोचा था कि तभी अचानक से कुछ खंजर के चलने की आवाज आती है और उस डेड बॉडी के गर्दन अचानक से उसके गले से अलग होकर जमीन पे गिर जाती है और इसके बाद आवाज आती है अटैक सक्सेसफुल रहा और एक नॉर्मल ओल्ड मैन अपीयर होता है जो छोटा और दुबला पतला होता है और उसके बॉडी या कि उसके बिहेवियर में कुछ भी अब नॉर्मल नहीं था। तभी उस ओल्ड मैन को जो कि अभी अभी अपेयर हुआ था जुयान देखता है तो तुरंत ही खुश होते हुए कहता है एनाइस मास्टर ली और इसके बाद वो तुरंत ही जमीन पर गिर पड़ता है और अचानक ही उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा था कि वो बच गया था। दूसरी तरफ कुछ और भी हॉल मास्टर जो कि उसके साथ जिंदा थे वो भी अपने दिल में रिलैक्स फील करते हैं और अपने माथे से पसीने को पोंछते हैं। तभी लियू जियानफेंग तुरंत ही कहता है तुम रो क्यों रहे हो उठो। उसे पता था कि उसे किलर के तौर पर जाना जाता था एसेसिन के तौर पर और जू यान को उसने हमेशा ही शांत देखा था उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बंदा भी वास्तव में ऐसी हालत में आ जाएगा। तभी जू यान तुरंत ही कहता है हाँ उसके बॉडी में बिल्कुल भी पावर नहीं बची होती इसीलिए उसे उड़ने में काफी मेहनत लग रही होती और वो दीवार का सहारा लेकर उठता है। साथ ही उसके पास इस टाइम पे एम्परर कल्टीवेशन लेवल जैसा बिहेवियर नहीं होता। हालांकि तभी वो ब्लड शैडो जो जमीन पर मर के गिर चुकी होती है उसकी बॉडी से चारों तरफ खून बहने लगता है जो काफी सारी ब्लड ड्रॉप में क्रिएट होकर ब्लड एरो में बन जाता है और इसके बाद अचानक से सभी तरफ अटैक कर देता है और इसके बाद ये सीधा ही लियू जियानफेंग का अटैक का पीछा करने लगता है। हालांकि तभी जैसे ही वो ब्लड ड्रॉप लियू जियानफेंग के बॉडी के आर पार निकलने ही वाली होती कि तभी मर्सेनरी अलायंस का एक हॉल मास्टर तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है अलायंस चीफ सावधान।
और इसके बाद उसका कंधा तुरंत ही उस ब्लड एरो के सामने आ जाता है और वो बड़ी मुश्किल से इस अटैक को रोकता है। हालांकि इससे बचने के बाद ल्यू जियानफेंग एक बार फिर से ब्लड शैडो की डेड बॉडी के पास पहुंचकर उसके हाथ में उसका ब्लड डैगर आ जाता है और वो ब्लड शैडो के गले में कई बार अटैक करता है। ब्लड शैडो को मरता हुआ देखकर जुयान काफी खुश होता है और इसके बाद सभी लाशों को देखता है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है क्योंकि उसे पता था ये सभी लोग कैपिटल ऑफ केओस के काफी पॉपुलर लोग थे और काफी रिच लोग भी, और अगर वो उन सभी लोगों की स्टोरिंग ले लेता है तो उसे डर था कि अंदर की चीज है दो एम्परर कल्टीवेशन लेवल की वॉरियर्स की डेथ की भरपाई कर सकती थी। हालांकि तभी जुयान अचानक से कुछ सोचते हुए कहता है अरे हाँ, और इसके बाद उसकी नजर सीधा ही जुयान की तरफ जाती है। इस टाइम पे जुयान जमीन पर पड़ा हुआ होता है, यहाँ तक कि उठने में कैपेबल नहीं था और जुयान को लग रहा होता कि शायद जुयान बेहोश हो गया है, जिसके बाद वो हंसते हुए कहता है क्या अफसोस की बात है, तुम मरने वाले हो, इसके बाद तुम्हारी वो मूवमेंट टाइप एम्परर आर्ट मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है आप सभी लोग यहाँ पर देखे और एलायंस चीफ की किसी भी समय पर मदद करे, मैं जाकर उस बच्चे को मारूंगा और रियलम ट्रेवल्स जेट को वापस लाऊंगा। और इसके बाद वो जुयान की तरफ जाने लगता है, साथ ही वो काफी अलर्ट भी होता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं ब्लड ड्रॉप ब्लड एरो में क्रिएट होकर उसकी तरफ ना जाए। जिसके बाद वो तुरंत ही जुयान के पास पहुंच कर तुरंत ही कहता है कितने अफसोस की बात है कि इतने सारे लोग मारे गए हैं, यहाँ तक कि तुम जिसे हेवन पर इतने जिसे जिस पर हेवन को इतना प्राउड था वास्तव में तुम भी मारे जाने वाले हो। जिसके बाद ये सभी चीजें मेरे मर्सेनरी अलायंस की होंगी, साथ ही कितनी अफसोस की बात है कि तुम काफी ज्यादा फास्ट हो लेकिन पावर के मामले में अभी भी तुम मेरे लिए मैच बिल्कुल भी नहीं हो। और इतना कहने के बाद वो जुयान के सिर पर पैर रखने ही वाला था, साथ ही उसकी पावर को देखते हुए जमीन भी फट सकती थी जुयान के सिर की तो बात ही छोड़ दी जाए। हालांकि जैसे ही उसका पैर जुयान के सिर को टच होने ही वाला होता कि तभी जुयान अचानक से मूवमेंट करता है और अपने हाथ से उसके राइट पैर को पकड़ लेता है जिससे उसका पैर एक भी इंच तक आगे बढ़ने में कैपेबल नहीं था। जिसके बाद जुयान तुरंत ही उसे घुमाते हुए उस डायरेक्शन में फेंकता है जहाँ पे ली जियानफेंग ब्लड शैडो के साथ फाइट कर रहा होता है। जिसके बाद जुयान तुरंत ही सभी की शॉकिंग फेस इंप्रेशन के साथ पीछे के व्हाइट स्प्रेड मिल्क के पूल के अंदर कूद जाता है जिससे मिल्क हल्का सा थोड़ा इधर उधर फैल जाता है और इसके बाद सभी की नजरों के सामने ओरिजन की काफी स्पीड के साथ जुयान की बॉडी के अंदर कंडेंस होने लगती है और स्प्रेड पूल सभी की नजरों के सामने अचानक से कम होने लगता है। हालांकि दूसरी तरफ जुयान वो अचानक से अपने आप को फील करता है पीछे जाते हुए तो वो काफी गुस्सा होता है क्योंकि वो जुयान के मूवमेंट के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। जिसके बाद वो देखता है कि वो ली जियानफेंग और ब्लड शैडो के फाइटिंग एरिया की तरफ जा रहा था कि तभी अचानक एक सॉफ्ट फोर्स आता है जो उसे सामने की तरफ धकेल देता है और जुयान फील करता है कि ये ल्यू जियानफेंग का अटैक था। जिसके बाद ल्यू जियानफेंग तुरंत ही कहता है उस पर हमला करो और उसे मार डालो। साथ ही ली जियानफेंग की आवाज काफी शांत होती है और इसमें जरा सा भी फ्लक्चुएशन नहीं होता और जैसे ही ली जियानफेंग की आवाज फीकी पड़ती है जू जून झोंग डिंग वान के कंट्रोल में चार एम्परर कल्टीवेशन लेवल के वॉरियर तुरंत ही जुयान की तरफ अटैक करने के लिए दौड़ पड़ते हैं और उनकी ओरिजन कुई तुरंत ही काफी पावरफुल तरीके से बाहर निकलने लगती है जैसे वो एक ही अटैक में जुयान को मारना चाहते हो। हालांकि उन्हें याद था कि बाद वाले ने ब्लैक नीदरलैंड एम्परर के साथ फाइट की थी लेकिन उन्हें पता था अगर वो मिलकर काम करते तो वो जुयान को मारने में कैपेबल होंगे, इसीलिए वो ल्यू जियानफेंग की ब्लड शैडो में साथ लड़ने में फाइट में मदद करने के बजाय जुयान को मारने के लिए जान जोखिम में डालते हैं। दूसरी तरफ जुयान की आंखें कसकर बंद होती है और वो पूल के अंदर बैठा हुआ होता है, उसके हाथ उसकी बॉडी के ऊपर से चेस्ट तक आते हैं। ब्लड पूल का जो डिवाइन मिल्क होता है वो काफी स्पीड के साथ वाइल्ड हो रहा होता है और बुदबुदा रहा होता है, साथ ही काफी पावरफुल कुई के साथ जुयान की बॉडी के अंदर जा रहा होता है जहाँ तक ये स्प्रेड डिवाइन मिल्क पूल के आधे से भी अब कम हिस्से में बचा हुआ था। हालांकि दूसरी तरफ वो कुई चैन जैसे ही जुयान की बॉडी से टकराने वाली होती है कि तभी जुयान की बॉडी के अंदर से रेड गोल्डन फ्लेम निकलती है जो इन कुई चैनों को तुरंत ही टुकड़ों में तोड़ देती है और जुयान के चारों तरफ लिपट जाती है और इन कुई चैनों को एक इंच तक आगे नहीं बढ़ने देती। जिसके बाद अचानक ही जुयान के कंधे पर जियो यो दिखाई देता है जो कि एक हल्के से झटके के साथ एक रियल ह्यूमन में बदल जाता है जो जुयान को प्रोटेक्ट करने लगता है और उसकी आंखों में काफी ज्यादा गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। जिसके बाद वो अपने हाथ के हल्के से झटके के साथ इन सभी कुई चैनों को अपनी तरफ खींच लेता है। हालांकि तभी जियो यो के अचानक से अपेयर हो जाने के कारण सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं लेकिन तभी जो डिंग युआन और बाकी लोग गुस्से में भी होते हैं क्योंकि ये चार एम्परर कल्टीवेशन लेवल के वॉरियर थे और उन्हें अकेला बंदर रोकना चाहता था, यह कुछ ईगोफुल नहीं था। इसलिए जुजून सबसे पहले जियो यो के सामने आता है और एक पंच को क्रिएट करके पावरफुल ओरिजन गुई की तरह जियो यो के ऊपर अटैक कर देता है। तभी जो डिंग युआन जो कि जुजून के पीछे चल रहा था वो भी अचानक से आगे आता है और वो तुरंत ही कहता है 1000 स्टार हैंड और उसकी आंखों में तुरंत ही स्पिरिचुअल लाइट साइन होने लगती है और उस टाइम पे अनगिनत स्टार के साथ एक डार्कनेस चारों तरफ छा जाती है और इसके बाद वो उसके हैंड में कंडेंस होने लगती है स्टार लाइट जो फुल किलिंग इंटेंट और के साथ भरी हुई होती है और जियो यो की तरफ बढ़ रही होती है। तभी जियो यो उन दोनों के अटैक को देखते हुए तुरंत ही कहता है तुम लोगों को नहीं पता लेकिन मैं महाशक्तिशाली महा पावरफुल गोल्डन ड्रैगन हूँ, चलो मैं तुम्हें अपनी पावरफुल पावर दिखाता हूँ। और इसके बाद वो जुयान को देखता है तो तुरंत ही हंसने लगता है।
और उसके पाम अटैक से तुरंत ही पर्पल गोल्डन लाइट साइन होती है और उसके हाथ में तुरंत ही उसका गदा आ जाता है, जिसके बाद वो अपने गदे से जू जून के अटैक पर अटैक करता है और दूसरी तरफ अपने बाएं हाथ में ओरिजन कुई को कंडेंस करके एक टैबलेट क्रिएट करता है जिसमें काफी अजीब से पैटर्न होते हैं और ऐसा लग रहा होता है जैसे इसे लाखों करोड़ों सालों से रखा गया हो। और इसके बाद उसका अटैक जो डिंग युवान के अटैक पर कर देता है। तभी पीछे के दो और मोनार्च कल्टीवेशन लेवल के एम्परर कल्टीवेशन लेवल के बंदे जो यो पर अटैक करते हैं और एक स्टारलाइट ड्रैगन को क्रिएट करते हैं, लेकिन तभी जो यो अचानक से एक पावरफुल रोर करता है और उसके मुंह से पर्पल लाइट निकलती है जो कि एक पर्पल ड्रैगन में क्रिएट हो जाती है जो आसपास के स्टारलाइट ड्रैगन और स्टार्स को अब्सॉर्ब करने लगती है और उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगती है। ये देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आते कि क्या जियो हेवनली सावरेन लेवल पर है कि वास्तव में उसके हाथ का उसका गदा, उसके लेफ्ट हैंड की वो टैबलेट और उसके मुंह से निकली हुई लाइट जो कि एक ड्रैगन में बदल गई थी और आसपास के स्टारलाइट को अब्सॉर्ब कर रही थी और एक ही टाइम पे उसने चार एम्परर कल्टीवेशन लेवल के वॉरियर्स के अटैक को रोक दिया था। हालांकि तभी हवा में एक अटैक की आवाज आती है और जूयान का पांचों उंगलियां जुड़ी हुई होती हैं जो कि एक ब्लेड की तरह होती हैं और जियो के गर्दन से जाकर लगती हैं, जिससे जियो जो कि अपने पास डिफेंस शील्ड के बिना इस अटैक को झेल रहा होता है उसके फेस में काफी फीके पड़ जाते हैं। इस टाइम पे जूयान ने इस मौके का फायदा उठाया था जब जो इन चार लोगों के अटैक को रोक रहा होता है और वो जियो के पीछे आ गया था और उसके अटैक के कारण जियो को अपनी आधी से ज्यादा पावर को खोना पड़ गया था, जिसके बाद जूयान तुरंत कहता है उस आदमी को तुरंत के तुरंत मार डालो। हालांकि उसने जियो को युल्लो एकेडमी में देखा था, लेकिन अचानक से यहाँ पे जियो को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, खासतौर पर जियो ने जो पावर शो की थी उसे देखकर कि वो बंदा अकेले ही चार एम्परर कल्टीवेशन लेवल के वॉरियर के साथ लड़ सकता था। जिसके बाद जूयान जियोयान की तरफ देखता और तुरंत कहता है जियोयान आज वो दिन है जब तुम मरोगे। जिसके बाद वो देखता है स्पिरिट डिवाइन मिल्क को जियोयान ने आधे से ज्यादा अब्सॉर्ब कर लिया था, जिससे वो काफी ज्यादा उदास होता है और काफी फास्ट स्पीड के साथ अपने पंच से सीधा जियोयान की तरफ अटैक करता है। हालांकि तभी उसे जियोयान की तरफ बढ़ते हुए देखकर जियो अपने हाथ के गदे को तुरंत ही जियोयान की तरफ अटैक कर देता है और इसमें वो अपनी लास्ट की बची हुई सारी पावर को डाल देता है। वो अपने ऊपर हो रहे अटैकों के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और इस टाइम पे उसे जियोयान की फिक्र होती है। हालांकि जैसे ही जियोयान उस गदा को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो तुरंत ही अपने लेफ्ट हैंड को आगे बढ़ाता है और उसमें एक ब्लड रेड लाइट साइन होने लगती है जो जियोयान के उस गदा को पकड़ लेती है और तुरंत ही उसे डिस्ट्रॉय करने लगती है। जिसके बाद वो कहता है एक हेवनली वेपन यह कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसके लेफ्ट हैंड पर एक होली बीस्ट की ब्लड लाइन को उसने फ्यूज किया था, जिससे इसकी पावर उसकी सोच से भी ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए वो जियो के गदा को तुरंत ही आसानी से काफी दूर फेंक देता है और इसके बाद वो कहता है उसे मार दो। हालांकि इतना कहने के बाद जियोयान मुड़ पाता कि तभी आवाज आती है तुमने क्या कहा किसे मार दो। और इसके बाद उसे फील होता है कि वो जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा था उसकी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया है और वो पीछे की तरफ उड़ता हुआ जा रहा है और एक चट्टान से जाकर टकरा गया है। जिसके बाद सभी लोग देखते हैं डिवाइन स्पिरिट ब्लड स्पिरिट मिल्क का जो वाटर होता है व्हाइट कलर से पूरी तरीके से पानी की तरह साफ हो गया था और उस पानी की बूंदों से जियोयान धीरे धीरे बाहर आ रहा होता है। जिसके बाद जियोयान जो डिंग युआन और बाकी लोगों के एम्परर कल्टीवेशन लेवल के चार वॉरियर को देखता है और कहता है आप में से कुछ आज कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद वो जियो को देखता है जिसके बारे में जियोयान को कुछ भी नहीं पता था कि ये जिंदा है या मर गया। ये देखकर जियोयान की बॉडी से ही क्लिंगन टंटोरा अचानक से निकलने लगता है और जियोयान काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। इस टाइम पे जियोयान की वॉइस काफी ज्यादा कोल्ड होती है, जिसके बाद जियोयान कहता है एज योर ड्रैगन डिसेंडेड फ्रॉम द स्काई और अचानक ही जियोयान की पूरी बॉडी फैलने सी लगती है और उसकी बॉडी से काफी खतरनाक तरीके से ओरिजन कोई बाहर निकलने लगती है जो जियोयान की बॉडी के हर एक पार्ट को ढकने लगती है। और इसके बाद जियोयान की बॉडी का हर एक पार्ट एज्योर ड्रैगन के स्केल में बदल जाता है। जिसके बाद जियोयान अपने सामने आसमान को देखता है और इस टाइम पे जियोयान उसकी बॉडी एक ग्रीन ड्रैगन की तरह हिल रही होती है। साथ ही जियोयान की पीठ के पीछे ओरिजन कुई से बनी हुई एक ड्रैगन की पूंछ होती है और कुल मिला के जियोयान एक एज्योर ड्रैगन के पेट के अंदर होता है और एक पूरा का पूरा एज्योर ड्रैगन दिखाई दे रहा होता है हवा में जो कि सीधा ही अपने पंजों को लेकर सीधा चार एम्परर कल्टीवेशन लेवल के बॉडी की तरफ अटैक कर देता है। साथ ही जो ड्रैगन की बॉडी से इनफाइनाइट किलिंग इंटेंट और रिलीज हो रहा था। ये देखकर जो डिंग युआन तुरंत ही कहता है ये किस तरीके की टेक्निक है, ये पहले ही मोनार्क आर्ट लेवल के पीक लेवल तक पहुंच चुकी है, जहां तक ये जो क्लेन की ग्रेट सर्कुलेटरी साइकिल रेगुलेशन जैसी फॉरबिडन टेक्निक से भी बिल्कुल भी वीक नहीं है, ब्लॉक इसे ब्लॉक करो। और इसके बाद वो सभी लोग इस टेक्निक की पावर को फील करते हुए तुरंत ही इसे ब्लॉक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था ये कितनी खतरनाक है। और इसके बाद उनकी बॉडी की असीम ओरिजन कोई बाहर निकलती है जो कि तुरंत ही एक कुई बैरियर को क्रिएट कर देती है। तभी जूजून कहता है इसमें घबराने की क्या बात है, ये केवल एक मोनार्च एम्परर है और अब तो उसके पास युल्लो एकेडमी के फॉर्मेशन का भी सपोर्ट नहीं हो, चलो एक साथ अटैक करते हैं और उसे मार देते हैं। जो जून को एक रीजन पता चला था कि जियोयान ने ब्लैक नीदरलैंड के साथ फाइट की थी क्योंकि उसे युल्लो एकेडमी के फॉर्मेशन से हेल्प मिल गई थी, वरना वो नीदरलैंड एम्परर के एक भी अटैक को नहीं झेल पाता।
साथ ही उसे पता था कि जॉय ने रियलम ट्रेवल जेड उससे ले ली थी, इसलिए बाद बाला ऐसा कुछ कर पाया था। और भले ही जॉय के पास एम्परर कल्टीवेशन लेवल के वॉरियर को मारने की ताकत हो, वो उन चारों को एक साथ तो नहीं मार सकता था ना। और अपने दिमाग में ये थॉट आते ही जूजून आगे की तरफ कदम उठाता है और लाल ओरिजन को इसकी बॉडी में इकट्ठा होने लगती है, जिसके बाद वो अपने पाम अटैक को आगे बढ़ाता है और आसपास की चारों तरफ की एयर फ्लक्चुएट होने लगती है और स्कारलेट रेड ऑरा उसके हाथ में कंडेंस होने लगता है, जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है द ग्रेट हेवनली फायर पाम मिडिल ग्रेड मोनार्क आर्ट। और इसे उसकी अंतिम एक्सचेंज भी माना जा सकता था जिसे उस पर सबसे ज्यादा भरोसा था, और इसका यूज करके तो उसने इंटरमीडिएट लेवल के हेवनली बीस्ट को भी मार डाला था, जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है तुम दोनों मुझे कुछ ओरिजन को ही दो, मैं इस बच्चे को एक ही अटैक में खत्म कर दूंगा। वो इस टाइम पे काफी नाराज होता है क्योंकि उसे याद था कि जॉय ने उसे रियलम ट्रेवल जेड को छुड़ा लिया था, जिससे उसे एलायंस चीफ के सामने भी लगभग एम्बेरेस होना पड़ा था और जो यान से भी काफी सारी चीजों को सुनना पड़ा था, और वो अपनी रिपोर्टेशन को बदला लेने के लिए जो यान की डेड मतलब जो यान को मारना चाहता था। हालांकि तभी दो हॉल मास्टर तुरंत ही अपने हाथों को जू जून के कंधे पे रखते हैं और अपने ओरिजन कुई को जू चून की बॉडी में ट्रांसफर करने लगते हैं। दूसरी तरफ जो डिंग युआन एक पल के लिए हिचकिचाता है और बिल्कुल भी कुछ नहीं करता और अपने ओरिजन कुई को अपने सामने के कुई बैरियर में डालने लगता है, साथ ही उसके दिल में काफी ज्यादा बेचैनी भी थी। तभी जू जून का पाम अटैक सीधा ही जो यान के अटैक से जाकर टकराता है और एक सोनिक वेब सोक वेब अटैक चारों तरफ से केव को घेर लेता है, और इसके बाद चट्टान की काफी सारी परतें भी आसमान से गिरने लगती हैं। दूसरा ल्यू जियान फेंग तुरंत ही अपने सामने की डेड बॉडी को देखते हुए कहता है ये वास्तव में काफी अनएक्सपेक्टेड है कि सिनफुल ब्लड लाइन अभी भी इसका इफेक्ट ऐसा है, तुम वास्तव में जिंदा होते हुए भी ह्यूमन ट्राइब को मारना चाहते थे, नुकसान पहुंचाना चाहते थे और ये मरने के बाद भी उन्हें शांति से जीने नहीं देते, ये वास्तव में सिनफुल ब्लड लायक ही है। और इसके बाद ल्यू जियान फेंग की आंखों में किलिंग इंटेंट और अचानक से बढ़ने लगता है, जिसके बाद ल्यू जियान फेंग तुरंत ही ब्लड शैडो के पीछे अपीयर होता है और इसके बाद ब्लड शैडो की तरफ देखते हुए तुरंत ही कहता है आपने अभी इतनी सारी ब्लड नीडल्स का यूज किया है और इतने सारे लोगों को मार डाला, साथ ही तुम उनके ब्लड एसेंस को इकट्ठा करके अपने लिए इसका यूज कर रहे हो और लोगों के ब्लड एसेंस का यूज करके तुम ब्लड एरोस को क्रिएट कर रहे हो जो कि एक फॉरबिडन टेक्निक है, और अगर ये पूरी पावर से यूज की जाए तो मैं भी इसे नहीं झेल पाऊंगा, लेकिन अब तुम्हारी पावर काफी वीक हो चुकी है। और ऐसा कहते हुए वो उस डेड बॉडी की तरफ देखता है, जिसके बाद वो कहता है मुझे नहीं लगता कि क्या उस ब्लड क्लिप में जीवित रहने में तुम अब कैपेबल होगे, भगवान ही जाने अब कब इन चीजों से छुटकारा मिलेगा, हालांकि यह पहली बार है कि जब मैंने तुम जैसे किसी से फाइट की है, लेकिन ये ज्यादा तो नहीं लेकिन उस पर्सन का अपमान है। और इसके बाद उसके हाथ में एक बार फिर से उसका ब्लड डैगर अपीयर होता है और इसके बाद उसका वो डैगर अचानक से हवा में कांपने लगता है और ल्यू जियान फेंग उसकी बॉडी एल्यूजनरी होते होते धीरे धीरे गायब हो जाती है और पूरी तरीके से कुएं में बदल के यहाँ से गायब हो जाती है। तभी ब्लड शैडो चारों तरफ ल्यू जियान फेंग को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी अचानक एक काफी कोल्ड लाइट ब्लड शैडो की तरफ बढ़ती है और बिना किसी निशान के ब्लड शैडो के गले पर अटैक कर देती है, जिससे एक भारी ब्लास्ट होता है और ब्लड शैडो पीछे की तरफ उड़ता हुआ जाता है। और इसके बाद कहीं से एक फीकी आवाज आती है थाउजेंड ब्लड थाउजेंड शैडो स्ट्रीम, और इसके बाद आसपास की जगह अचानक से हिल जाती है और अनगिनत ब्लैक शैडोस धीरे धीरे इस जगह पर अपीयर होती हैं। सॉरी ब्लैक शैडोस नहीं ब्लैक लाइट जो कि काफी कोल्ड होती है एक साथ कंडेंस होने लगती है और इस डेड बॉडी को पूरी तरीके से रोक देती है। दूसरी तरफ से इस ब्लड शैडो का पूरी ही बॉडी ब्लड से नहाई हुई होती है, साथ ही ये उठने में भी काफी मेहनत लग रही होती है। हालांकि जैसे ही ब्लैक शैडो एक बार फिर से उठने ही वाली होती है कि तभी एक आवाज आती है डेड, अगले ही पल वो ब्लैक कोल्ड लाइट तुरंत ही उसके ऊपर पावरफुल तरीके से अटैक कर देती है और ब्लड शैडो को टुकड़ों में बिखेर देती है और इसके बाद चारों तरफ खून बिखरने लगता है। दूसरी तरफ जो यान जो जमीन के अंदर दबा हुआ होता है धीरे धीरे बाहर निकलता है और बेहोश जो यो को अपनी पीठ पर लादकर अपने हाथ में एक बांस का एक स्क्रोल पकड़ लेता है और ये वास्तव में द हेवनली फिस्ट अटैक होता है जो चट्टानों के बीच में छिपा हुआ था, और अगर ये स्थान टूटा ना होता तो जियान कभी भी इसे ढूंढ नहीं पाता। जिसके बाद जोयान थोड़ा सा सीरियस होकर जियो यो को देखता है और इस टाइम पे जोयान जिसने उस मिल्क को अब्सॉर्ब कर लिया था उसकी पावर भी बढ़कर 9 स्टार मोनार चैम्परल लेवल पर तक पहुंच गई थी और अब उसके लिए हार्ट फ्लेम बर्निंग के लिए केवल कुछ समय की ही बात थी, जिसके बाद जोयान मोनार्च कल्टीवेशन लेवल पर भी पहुंच सकता था। और वास्तव में जोयान के एज्योर ड्रैगन आर्ट ने 4 एम्परर कल्टीवेशन लेवल के वॉरियर्स को भी टक्कर दे दी थी और उन्हें हरा दिया था। हालांकि तभी जोयान जोयान की तरफ देखता है तो काफी गुस्से से चिड़चिड़ा रहा होता है कि वास्तव में जोयान ने उसके 4 एम्परर कल्टीवेशन लेवल के वॉरियर्स को हरा दिया था। तभी जूयान अचानक से जोयान की तरफ अटैक कर देता है और उसका लेफ्ट हाथ काफी पावर के साथ लाइट अप हो रहा होता है। तभी जूयान के पैरों के नीचे स्टारलाइट साइन होती है और वो जूयान के अटैक से डॉच करते हुए कहता है तो तुम अपनी पावर छुपा रहे हो। जूयान ने फील किया था कि सामने वाले का पंच ड्रैगन की तरह स्ट्रांग होता है और यहाँ तक कि वो मर्सेनरी अलायंस के सभी एम्परर कल्टीवेशन लेवल के वॉरियर को भी क्रॉस कर चुका था। तभी जूयान तुरंत ही कहता है जूयान तुमने जब से कांग फेंग को हराया है जुल्लो एकेडमी को 4 एकेडमी कंपटीशन में नंबर 1 बनाया है, सभी एक्सपर्ट सभी हॉल मास्टर सर्व
केवल तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। सब तुम्हें ही टैलेंटेड मानते हैं, सब तुम्हें मानते हैं कि तुम स्टार फील्ड में जीनियस हो। तभी जॉन अचानक से उसकी बातों को सुनते हुए कहता है, यंग जनरेशन में नंबर वन, क्या तुम वास्तव में मेरी चापलूसी कर रहे हो? इस टाइम पे जोयांग जो यो को लिए हुआ था और वो अटैक करने की कोई भी जल्दबाजी में नहीं होता। तभी जोयांग हंसते हुए कहता है, ये अच्छा है कि आप जानते हैं, हालांकि मैं कैंग फैमिली के कैंग फैंग के बारे में भी जानता हूँ, लेकिन अब मैं आपसे लड़ना चाहता हूँ। तो इन एम्परर कल्टीवेशन लेवल के वॉरियर के बारे में भूल जाइए, जिन्हें अपनी पावर अच्छे से नहीं पता। मैं एक रियल जीनियस हूँ और मैं इन चार हॉल मास्टर से भी काफी पावरफुल हूँ, और मुझे इनसे ज्यादा भरोसा है कि मैं आपको हरा सकता हूँ। और इसके बाद वो अपने पंच में एक पावर को कंडेंस करता है, जिससे आसपास फ्लक्चुएशन होने लगता है। तभी जॉन कहता है, कोई सरप्राइज नहीं, आप ली जियान फेंग के साथ रह रहे हैं। इस टाइम पे जॉन भी उसकी पावर को देखकर थोड़ा सा सरप्राइज और सीरियस होता है। तो चलो गाइस, इसी के साथ अब ये एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय थ्रियन फैमिली।